आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। मेरा नाम पूनम गुप्ता है, मैं कोलकाता से हूँ। और ऐसे तो हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग हैं, लेकिन कॉन्शियसली इस जर्नी में मुझे 9 साल हो गए चलते हुए। शुरू से एक डॉक्टर बनने की चाह थी, मैथ्स होता नहीं था मुझसे तो डॉक्टर बनना ही ड्रॉप कर दिया। उस समय इतने ऑप्शन थे ही नहीं कि बिना मैथ्स के भी डॉक्टर बना जा सकता है। एंड 2014 में ऐसे ही मेरे भीतर कुछ प्रश्न जगने लगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्यों आई हूँ। सत्संग में जाते थे, मैं सुनती थी मनुष्य जन्म इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन समवेयर मेरे को मेरी लाइफ लगती थी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो रोज एक ही तरह का मोनोटोनस लाइफ हो गया था, कुछ एम्प्टी हॉलो फीलिंग आती थी मुझे। एंड 2014 से ही मेरे अंदर डीप ये प्रश्न उठने लग गए। एंड 2015 में मैंने प्राणिक हीलिंग ज्वाइन किया, बहुत कुछ सीखा जाना। मेरे बेटे को उस समय बहुत एलर्जी इश्यू रहता था, तो मैंने सोचा चलो डॉक्टर ऐसे नहीं बन पाए, प्राणिक हीलिंग बनकर प्राणा डॉक्टर बन जाएंगे। एंड मैंने हीलिंग स्टार्ट की, वो तो हील हुआ ही, लेकिन इससे मेरे भीतर इतना बदलाव आने लग गया ये मुझे महसूस हुआ। और एक हर समय एक टान रहती थी वहां जाने की, सीखने की। ऐसे लगता था कि फिजिकल नीड्स कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है, अब ये सोल की भूख थी जो मुझे बार बार उन सेशंस में लेके जाने के लिए प्रेरित करती थी। बहुत कुछ सीखा वहां पर, बहुत कुछ जाना, बहुत एक पॉजिटिव पर्सन बन गई। जो सो कॉल्ड इतनी नेगेटिव थी, ब्लेम कंप्लेन में इतनी थी, एक पॉजिटिविटी आ गई लाइफ में। लेकिन वो करते करते भी मेरे अंदर और प्रश्न उठने लगे कि अभी भी कुछ तो है जिससे मैं जीवन में भाग रही हूँ। और वो मुझे पता चला जब मैंने सर का, हितेश सर का प्राण ज्वाइन किया, इनर चाइल्ड वर्कशॉप। उसमें मुझे समझ में आया कि कैसे हमारे बचपन की चीजें हमें परेशान करती है, किस तरह हम रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के संग बड़े होते हैं। एंड फ्रेंड्स, वो दिन मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग दिन था। ऐसे लगा कि मैं एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में एकदम न्यू पूनम बनकर निकली। एंड उस दिन के बाद से मैंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे और भी प्रश्न उठते गए इनर चाइल्ड करने के बाद, बहुत स्पिरिचुअल बहुत चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो गई। फिर मन में प्रश्न उठा कि एनलाइटनमेंट क्या है। अब लालच, स्पिरिचुअल लालच बढ़ गया मेरा, एनलाइटनमेंट क्या है, मोक्ष क्या है, मैं कौन हूँ। तो कहते हैं ना, जैसे जैसे आपके प्रश्न होते वैसे वैसे आपको मास्टर्स मिलते जाते। तो मेरी जर्नी में भी ऐसे ही मुझे मास्टर्स मिलते रहे। बहुत ब्लेस्ड रही मैं मास्टर्स के मामले में। और अभी भी जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं देखती हूँ मेरे वैसे ही वैसे मुझे मेंटर्स और मास्टर्स मिलते जाते हैं। तो मैं ऐसी बढ़ती चली गई जीवन में आगे। एंड 2017 में मैंने हितेश सर के संग वर्कशॉप की। अभी भी कोलकाता में भी शायद प्रश्न उठते हैं और सर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो इस तरह कोलकाता में भी उनके वर्कशॉप हुए। बहुत डीप रियलाइजेशंस होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर वो हीलिंग वाला एक अंडरस्टैंडिंग, हम रेडी होते हैं कहीं ना कहीं, वो चीजें चालू होती जाती है, ओपन होती जाती है और हमें मास्टर्स मिलते जाते हैं। तो अपनी जर्नी में हमें ट्रस्ट करके हमें आगे बढ़ते रहना है। एंड फ्रेंड्स, इस जर्नी में सिर्फ मैं फिजिकल तो हील हुई, मुझे 40 साल से माइग्रेन था, मेरा माइग्रेन पेन काफी कम हो गया, बहुत एक लेवल पे रिड्यूस भी हो गया। एंड बहुत कुछ हुआ, मेरे बॉडी में लम्ब्स थे वो हील हो गए, मेरे रिलेशनशिप स्पेशली मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के संग पहले से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए। जो कि मुझे लगता था कि सारी चीजें, मुझे लगता था मेरे में ही कुछ कमी है, इस एटीट्यूड को मैंने देखा, इसको बदला। और आज सिर्फ मैं मुझे ही मोटिवेट नहीं कर पा रही, मुझे ही इंस्पायर नहीं करती मैं, बल्कि अब मैं लोगों को भी इंस्पायर कर पाती हूँ। तो मैं भी जो सीख रही हूँ वो भी मैं सिखाती जा रही हूँ लोगों। तो फ्रेंड्स, चलिए आज ऐसे ही जो मैंने जाना सीखा, जो मेरी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मैं आज आप लोग के संग बांटने जा रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है अबंडेंस। तो आप लोग सबसे मैं जानना चाहूंगी कि अबंडेंस जब हम शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में पहला थॉट, पहला विचार क्या आता है? आप लोग टाइप करके मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में। अबंडेंस, सबके लिए अबंडेंस का मायने अलग हो सकता है, कोई भी राइट और कोई भी रॉन्ग तो नहीं है। नेचर, वंडरफुल। देखिए हम सब, आप हम यहाँ चैट से ही हम समझ पाएंगे कि हम सबका देखने का, जीवन को तरीका कितना अलग अलग है और सब सुंदर है। कोई भी ये नहीं कम है, कोई ज्यादा नहीं है, कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है, हम सबका तरीका अलग अलग है। प्लीज एवरीबडी पार्टिसिपेट सो दैट आई अंडरस्टैंड और मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊं। फिर मैं तो ये अबंडेंस में जैसे हम कहते हैं समृद्धि, तो हम सबको समृद्धि को देखने का तरीका अलग अलग है। किसी के लिए लव अबंडेंस है डेफिनेटली, किसी के लिए प्रचुरता में, यस लॉट्स ऑफ लव। तो हम सबको अबंडेंस देखने का नजरिया अलग अलग है।
आज मैं स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। यस, किसी के लिए अबंडेंस लव हो सकता है, किसी के लिए अबंडेंस मनी हो सकता है, किसी के लिए अबंडेंस हेल्थ हो सकती है, किसी के लिए अबंडेंस नेचर है, किसी के लिए अबंडेंस कुछ भी हो सकता है, जो या तो हम उसको अबंडेंस की तरह देखते हैं या हमें वो अबंडेंस की तरह जीवन में चाहिए। ये दोनों ही पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो सब ये हमारा देखने का अलग अलग पर्सपेक्टिव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोग को यूनिवर्सल लॉ बताना चाहूंगी कि अबंडेंस, देयर इज अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का अबंडेंस है। एंड यू नो हम लोग क्या है, हम लोग एक्चुअली हमेशा जो हमारे पास होती है ना चीजें, हम वही देते हैं। जो चीजें हमारे पास अबंडेंस में होती है, और उसमें से वो कुछ भी हो सकता है, तो गेस करिए कि क्या क्या चीज हम देते हैं। अगर हमारे पास प्यार है तो बहुत प्यार देंगे दूसरों को, अगर हमारे पास नफरत है तो नफरत भी हम अबंडेंस में देते हैं, अगर हमारे पास शिकायतें बहुत है तो हम शिकायतें देते हैं। तो एक्चुअली व्हाट वी फोकस ऑन एक्सपैंड्स, जिस चीज पे हमारा फोकस होता है वही एक्सपैंड होती है, और उन्हीं चीजों में हमारे भीतर अबंडेंस होता है। तो अब हम हमारे जीवन में जो भी चीज हमें चाहिए, हम देखें हम फोकस किस चीज को कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो कमियां हम महसूस कर रहे हैं, क्या हमारा फोकस सिर्फ अपने जीवन की कमियों में है, या हमारे पास जो चीजें हैं क्या हमारा फोकस उनमें है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास जो चीजें होती है हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाते, और वो एक या दो चीजें जो हमारे जीवन में नहीं होती, हमारा बार बार ध्यान जाता है ये नहीं है हमारे पास। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आपको इस पेपर में क्या दिख रहा है? ये एक पेपर है और इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक बार आप मुझे बताएं तो मुझे समझ में आए कि आप क्या समझ रहे हैं। एनीबडी, कोई बताना चाहेगा कि इस पेपर में आपको क्या दिख रहा है? आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। डॉट्स व्हाइट दिख रहे एरिया हैं, एंड ब्लैक डॉट्स, ब्लैक डॉट्स। अपॉर्चुनिटीज, ब्लैक डॉट्स। यस यस, किसी को ब्लैक डॉट दिख रहा है, किसी को एज एन अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो कुछ भी दिख सकता है। तो अगर बाई चांस, चलिए हम इसको ब्लैक डॉट्स की तरह ही ले, इसको एक बार हम अपने जीवन की परेशानियां ले, इसको रिश्ते की तरह लेते हैं। मेरा मेरे पास बहुत रिश्ते हैं, हम सबके बहुत रिश्ते होते हैं ना। एज अ डॉटर हमारे कितने रिश्ते होते हैं, एज अ मदर हमारे रिश्ते होते हैं, जब हम डॉटर इन लॉ बन के आते तो हमारे कितने रिश्ते होते हैं, इतने रिश्ते हैं। और उसमें से एक रिश्ते में हमारे जीवन में परेशानी है। अगर हम इसको हेल्थ ले, हमारा पूरा बॉडी एकदम सही है, लेकिन हो सकता है हमें डायबिटीज है, हो सकता है हमारे पाँव में साइटिका है, कुछ भी छोटी मोटी हमें प्रॉब्लम है जीवन में, हो सकता है स्पिरिचुअली हमें लैक महसूस होता है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, हम समझ नहीं पाते, हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो ऐसे ही ये, अगर ये सारे डॉट्स है हमारे जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट में, कोई हेल्थ को लेके चैलेंज है, रिलेशनशिप को लेकर है, तो इस तरह से ये डॉट्स अगर हम इन सबको भी इकट्ठा करके, मैं इसको कॉर्नर में भी डाल दूं ना, और ये स्क्रीन हमारा जीवन है, ये व्हाइट जितना आपको दिख रहा है ये हमारा जीवन है, उसमें से ये छोटे छोटे हमारे जीवन के चैलेंजेस आते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या हो जाता है, हम इन्हीं में अटक जाते हैं। हमें लगता है एक रिश्ता खराब है ना, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं आपके जीवन में आपको प्रॉब्लम कहाँ है, आप कहेंगे रिश्तों में है, मेरे हस्बैंड ना मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरा घर ऐसा है, या जिस भी व्यक्ति से हमें परेशानी है, हमारा पूरा जीवन उसी पर्टिकुलर पर्सन पे सिमट के रह जाता है। अगर आप एक बार फोकस करेंगे ना, आप अपने जीवन में कितने सारे रिश्ते हैं, उसमें से एक या दो या पांच रिश्तों में हमें कुछ खट्टी मीठी अनुभव होते हैं, बाकी सभी रिश्ते हमारे बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया ऐसा हो जाता है कि हमारे हम एक टैग ही दे देते हैं, हमारा रिश्ता ही ऐसा है, हमारे रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम। सिमिलरली हेल्थ के लिए भी हम यही काम करते हैं, अगर हमारी तबीयत नहीं ठीक लग रही होती है तो हम, अगर कोई एक बीमारी है तो हम बोलते हैं हम तो बीमार ही है, हम अपने इस पूरे बींग को बीमार बता देते हैं, और जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फोकस करते हैं, अल्टीमेटली लैंड अप करते हैं हम पूरी बीमारी के साथ, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा होता है, सिर्फ शरीर बीमार होता है, फिर हम धीरे धीरे मन को भी बीमार कर लेते हैं और एकदम निढ़ाल हो जाते हैं। तो ये हमारे जीवन के इस प्रोस्पेक्टिव को हमें बदलना है। जीवन में ये एक तरह के चैलेंज है, जो सारे चैलेंजेस को भी मैं इकट्ठा करूँ तो ये पूरे लाइफ का 5% भी नहीं है, तो देखा जाए तो 95% तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, कुछ चैलेंजेस 5% आएंगे भी, जैसे हम खाते हैं ना, अगर कई बार हम बहुत मीठा खा लेते हैं तो हमें नमकीन खाने की इच्छा होती है, बहुत मीठा खाते हैं थोड़ा तीखा थोड़ा खट्टा मीठा खाने का मन करता है, तो जीवन भी ऐसा ही है, ये हमें रस के लिए है, इनमें अटकने के लिए नहीं है।
अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में आप अपने आप को नई स्टोरी दे सकते हैं लाइफ में। जैसे मैंने बहुत अच्छी एक स्टोरी दी है, सिर्फ मेरे लिए स्टोरी नहीं है, मेरा रियलाइजेशन भी है। कई बार अगर मैं मुझे कोई दर्द आता है तो मैं यही सोचती हूँ कि कुछ रिलीज हो रहा है कुछ, और ये दर्द कोई एक दिन में नहीं आता, कुछ इकट्ठा हो गया बॉडी में जो हो सकता है मैं इंटेलेक्चुअली नहीं समझ पा रही हूँ, तो वो बॉडी के थ्रू रिलीज हो रहा है। कितना ब्यूटीफुल है, इससे मैं अपने आप को बीमार भी महसूस नहीं करती और मैं खुश भी हो जाती हूँ कि वाओ आई एम हीलिंग, समवेयर मेरी एक हीलिंग हो रही है। तो ऐसे ही मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, फैमिली कॉन्स्टिलेशन जब हम करके आ रहे थे, मेरे पाँव में बहुत तेज चोट लगी एंड चोट लगते ही मुझे बहुत पेन हुआ, और उस समय सर घर पे ही थे तो मैंने बोला सर इतनी तेज चोट लगी, तो सर ने भी मुझे यही एग्जैक्टली बात बताई कि पूनम पाँव में चोट लगी है, पाँव रूट्स को डिनोट करता है और जब चोट लगी तो समथिंग इज रिलीजिंग, क्योंकि अभी हम फैमिली कॉन्स्टिलेशन में रूट्स पे ही काम करके आए हैं। तो कितना सुंदर प्रस्पेक्टिव है, और इसे प्रस्पेक्टिव नहीं है ये ट्रुथ है इनफैक्ट, क्योंकि जब भी मेरे जीवन में मैंने देखा, अभी रिसेंटली जनवरी में मुझे मेरा एक माइनर ऑपरेशन हुआ, मुझे पॉलिप हो गया था एंड मैंने जैसे ही मुझे ये पॉलिप आया तो मैं ये तो जान गई कि बॉडी में आया तो देयर इज समथिंग, कुछ तो चीज है जिसपे मुझे वर्क करना है जो मैं जान नहीं पा रही। तो बॉडी की इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट करना है, बीमार नहीं है हम एक्चुअली, वो हमारी बॉडी से आपको ये बताने आया कि नाउ इट्स टाइम टू रिलीज, और जैसे ही आप इस चीज के लिए ओपन होते हैं वो बीमारियां अपने आप चली जाती। तो इन चीजों को हम कैसे ठीक करेंगे आगे हम समझते हैं। यस फ्रेंड्स, तो अभी हम अबंडेंस और जो लैक की बात कर रहे थे, तो ये स्पेस है हमारे, हम में स्पेस है, हमारे माइंड में स्पेस है, तो हम उनको किस चीजों से भर कर रखे हैं। अगर हम टाइम टू टाइम फील करते हैं आई एम अनवर्थी, मेरे में कुछ भी ऐसा नहीं है कि वर्थ वाइल जो मैं हूँ, या हम बहुत ज्यादा ब्लेम और कंप्लेन में ही लगे रहते हैं, तो जो ऊर्जा का स्थान है उन ऊर्जा को हम किस किस चीजों से भर रखे हैं, अनवर्थीनेस की फीलिंग से, ब्लेम की फीलिंग से, कंप्लेन की फीलिंग से, हर समय पावरलेस फील करते हैं कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, या एनी टाइम रिएक्टिव मोड में रहते हैं, एंगर मोड में रहते हैं, तो ये स्पेस हो गई लैक की। तो हम अपने आप को सेल्फ चेक करें कि इनमें से कौन से एरिया में हम हैं ज्यादा। और स्पेस ऑफ अबंडेंस क्या होता है, जब हम वर्दी फील करें, जब हम डिजर्विंग फील करें, हम बहुत ग्रेटफुल रहे और रिस्पॉन्सिव रहे, चाहे जीवन में जो भी सिचुएशन हो रही है हम रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं, हम पावरफुल फील करें, भले ही चार लोग हम पे चिल्ला रहे हैं लेकिन हमारे में इतनी पावर है कि हम अपनी उस पावर से काम कर रहे हैं, न कि पावरलेस फील करके विक्टिम हुड में हम चले जा रहे हैं। तो अबंडेंस और लैक कुछ नहीं है, ये हमारे स्टेट ऑफ बीइंग है, हम इन चीजों, ये हमारा एटीट्यूड है कि हम जीवन को किस तरह से लेते हैं। जैसे अभी मैंने हेल्थ के ऊपर अपना एटीट्यूड बताया कि किस तरह से अगर मेरे मुझे कुछ डिस ईज बॉडी में आती है, एक्चुअली डिस ईज मीन्स कुछ अनकंफर्ट, कुछ डिसहार्मनी फील हो रही है, तो वहां पे हमको सिंपली काम करना है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम लैक में चले गए, हम बीमार हो गए, कुछ डिस ईज है मतलब ना, अब अपने अंदर जाइए और सेल्फ प्रस्पेक्ट सेल्फ चेक करिए कि चल क्या रहा है हमारे भीतर। तो हम सभी चाहेंगे कि हम अपनी जर्नी में अपनी कमियों से हम अबंडेंस की तरफ जाएं, और उसका बहुत ही सिंपल चीज है, इन चीजों को अगर हम अपने जीवन में उतारे, फॉरगिवनेस, अलाउंस और ग्रैटिट्यूड, जब हम अपने आप को एम्प्टी करें, जिनके लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा नाराजगी है, हेट्रेड है, एंड फ्रेंड्स इंक्लूड योरसेल्फ, कई बार हम दूसरों से तो नाराज नहीं होते लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने से इतने नाराज हो जाते हैं हम समझ ही नहीं पाते कि हम करें क्या। तो अपने आप को भी फर्गिव करना है, अपनी गलतियों को भी माफ करना है, और दूसरों की गलतियों को भी माफ करना मतलब लेट गो करना है, अपने भीतर से उनको हटाना है और अपने स्वयं के लिए अलाउ करना है, जो चीजें सिचुएशंस आ रही है आने दीजिए और जाने दीजिए, किसी भी सिचुएशन को एक टैग देकर अपने आप को पावरलेस विक्टिम जोन में न जाकर उन चीजों को अलाउ करिए। और ग्रैटिट्यूड, अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो लैक से अबंडेंस में जाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है इसे और डीपली समझने की, कि जब हम ग्रेटफुल हार्ट में क्या होता है, अबंडेंस ही अबंडेंस होता है, जब हम ज्यादा शिकायत के जोन में रहते हैं तो हम एक तरह से नेगेटिवली ऑपरेट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, और क्योंकि फिर हम जिस चीज को फोकस करेंगे वही चीज होगी, और जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं हम उन चीजों को फोकस करते हैं जो हमारे जीवन में है, क्योंकि कई बार हम जो है उसको तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और जो चीजें नहीं है हमारे जीवन में हम बहुत ज्यादा उसको फोकस करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जर्नी अपने जीवन में एक बार आंख बंद करके देखेंगे तो हमारे पास बहुत कुछ है। तो चलिए एक बार देखिए, आप खुद ही देखिए अपने जीवन में, आपके जीवन में मनी कैसा है,
हेल्थ कैसी है, रिलेशनशिप कैसा है, करियर कैसा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसा है, सेल्फ एनालाइज करें कि किस एरिया में आपको बहुत अबंडेंस फील हो रहा है और किस एरिया में थोड़ी सी कंप्लेन, थोड़ी सी ब्लेम, थोड़ी सी शिकायतें हैं हमारे अंदर। तो जिस एरिया में आपके पास अबंडेंस है उसको लिए थैंकफुल होइए, बहुत ग्रेटिट्यूड करिए। और इससे क्या होगा, सपोज आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आपके पास बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, तो आप जब रिलेशनशिप के लिए बहुत ग्रेटफुल होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ में भी सुधार आता जाएगा। और जब आपकी हेल्थ में सुधार आता जाएगा, अपने आप मॉनिटरी अबंडेंस आती जाएगी, करियर अपॉर्चुनिटीज आती जाएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो किसी भी एक एरिया में, जिस एरिया में आपको सच में लग रहा है कि आप बहुत अबंडेंस में हैं, आप उस एरिया से अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। वो हर एरिया में इफेक्ट लाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। और रिलेशनशिप अच्छे है तो हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है ना, रिलेशनशिप तो अच्छे हैं, लेकिन जब हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हम जीवन में क्या करेंगे। डेफिनेटली हेल्थ भी अच्छी करनी है हमें, लेकिन रिलेशनशिप को अवॉइड करके नहीं, ग्रांटेड लेके नहीं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, उसके लिए बहुत ज्यादा डीपली ग्रेटफुल फील करके हम और भी एरिया में अबंडेंस फील कर पाएंगे। हाँ, स्लाइड दिख रही है आप लोगों को, यस। तो अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा आप किस एरिया में अबंडेंस में हैं? तो कई बार पता हमको भी नहीं पता चलता है कि हम अबंडेंस में है कि हम लैक में है। Yes. तो फ्रेंड्स, जब आप कोई भी चीज एफर्टलेसली दे रहे रहते हो उस चीज में आप अबंडेंस में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर बहुत एफर्टलेसली हम शिकायत कर रहे हैं तो हमारे पास शिकायत की अबंडेंस है। अगर हम बहुत एफर्टलेसली किसी को प्यार कर पा रहे हैं, बहुत एफर्टलेसली आप कुछ भी दे पा रहे हो, जैसे अगर मैं आज ये शेयर ही कर लूं अबंडेंस के बारे में, तो कुछ ना कुछ ये मुझे, मुझ तक रहने के बाद ये अबंडेंस में लगा, तो मैं आप लोग से शेयर कर पा रही हूँ अपनी ये विजडम। तो आपके पास क्या चीज अबंडेंस में है? तो अबंडेंस इन एक्शन इज गिविंग। जो भी चीज हम देते हैं तो वही हमारे पास अबंडेंस में रहता है। तो और ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं होता कि अबंडेंस में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी एक एरिया को अपने सिलेक्ट करके उसमें ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करिए देना। तो अबंडेंस इन एक्शन इज गिविंग, एंड फ्रेंड्स देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल अबाउट। तो जो मैंने आप लोग से एरियाज बताए, हर एरिया में हमारे पास कुछ ना कुछ ग्रेटफुल होने के लिए रहता ही है। और जैसे अभी सूची जी ने शेयर किया नेचर, नेचर तो ऐसे ही बहुत अबंडेंस में है। जब हमें लगे ना सब कुछ डार्क है, तो प्रकृति माँ के लिए हम धन्यवाद दें, उसके लिए हम ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। तो लाइफ इज अ चॉइस, अबंडेंस हमारा चॉइस है। ये है नहीं कि हमारे पास नहीं है, हम तो अबंडेंस में है ही। अभी आपको बहुत चीजें दे दी जाए, जो जो आप डिमांड करें, और आपका एकदम से नाक बंद कर दिया जाए कि अब आप सांस नहीं ले सकते, तो आप बोलेंगे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे सिर्फ सांस लेनी है। तो अबंडेंस प्रकृति में हर जगह है, हम चॉइस क्या ले रहे हैं। तो जीवन में ग्रैटिट्यूड को चॉइस करें फ्रेंड्स। तो ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछ भी सकते हैं, 5 मिनट हम प्रश्न लेके फिर हम मेडिटेशन में चलेंगे।